हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे करवा चौथ मेकअप लुक। यस, करवा चौथ बहुत ही जल्दी आ रहा है और मैं इस वीडियो में आपसे ट्रेडिशनल करवा चौथ मेकअप शेयर करने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट है, रेड कलर का सूट है जो मैंने मंगाया है। करवा चौथ पे ना सबकी अलग अलग चॉइसेस होते हैं। कोई पूरा ट्रेडिशनल मेकअप करना पसंद करते हैं, रेड मैरून पहनना पसंद करते हैं और कई लोग बिल्कुल न्यूड के साथ जाते हैं। और आजकल ना सब लोगों की चॉइसेस जो है वो न्यूड की तरफ ही ज्यादा है। मुझे पर्सनली खुद भी न्यूड ज्यादा पसंद है, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसे जो ओकेजन्स है ना ये रेयरली होते हैं और इसमें ना हमें पूरा तैयार होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस ट्रेडिशनल करवा चौथ मेकअप लुक विद यू। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर रेड और मरून कलर का सूट देन दिस मेकअप लुक इज फॉर यू। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले ना फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सीरम। तो जब भी हम कोई फास्ट वगैरह रखते हैं ना तो फेस जो है वो बहुत डल हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम फेस को ना अच्छे से मॉइस्चराइज करें ताकि अगर पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं भी है तो फेस पे ग्लो की कमी ना हो। सो आफ्टर दैट सीरम मैं यूज कर रही हूँ एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन। इसकी सनस्क्रीन ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ये थर्ड सनस्क्रीन है जो मैं यूज कर रही हूँ और सारे मैंने डिफरेंट वेरियंट में यूज की है। और ये जो सनस्क्रीन है ना ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ड्राई स्किन के लिए, स्पेशली येलो वाली। ये वाली ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको लगाने के बाद ना ऐसे अलग से मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन है। अगर आपको फिर भी जरूरत लगती है तो आप इसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये काफ़ी है। ओके, प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। इस बार ना करवा चौथ पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने मरून सूट लिया था। एक्चुअली मेरा मन करवा चौथ पे ही होता है कि कुछ रेड मरून में हो, लेकिन ना बाद में वो सूट इतना काम नहीं आते, वो रखे रह जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन आपकी रेड मरून की हो जाए तो भी मतलब सही नहीं रहता, फिर बिल्कुल सारे रेड मरून ही हो जाते हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका बाद में क्या करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने एक रेड सूट ले लिया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा था इस वजह से, बट मैंने एक और भी पिंक सूट लिया है तो आई एम नॉट श्योर कि मैं उस दिन क्या पहनूंगी, पर उस दिन का मेकअप लुक भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आजकल ना मैं बहुत ज्यादा ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ तो प्लीज आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हो। और उस दिन जो मैं मेकअप करूंगी ना उसका भी ब्लॉग उसका भी वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी और व्लॉग भी शेयर करूंगी। सो प्लीज प्लीज स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। ओके, फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स की फाउंडेशन। रिसेंटली मैंने इसे एक दो बार यूज़ किया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी और बेसिकली ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, मतलब मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लग रही थी जैसे कि आप देख रहे होगे, पर ये आई थिंक ऑक्सीडाइज होती है, मतलब थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती है तो ये बिल्कुल ना अच्छे से मैच हो जाती है। थोड़ा सा कैमरे पर ज़्यादा लगती है लेकिन सामने से ना फेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका लुक आता है। मैं बेस को ना बहुत ही ज़्यादा लाइट रख रही हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आप सुबह तैयार होते हो या थोड़ा सा मतलब यू नो 11-12 बजे तैयार होते हो तो फिर कथा के लिए जाते हो, कई लोग बाहर जाते हैं, कई लोग घर पे ही करते हैं, तो दोपहर को अगर आपने बाहर जाना है तो थोड़ा सा पसीना वसीना तो आ ही जाता है। ऑल्दो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत पसीना आता है, तो हैवी नहीं होना चाहिए बेस। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एले गर्ल प्रो का कंसीलर। तो इसके लिए मैं ये ले रही हूँ कफ्स एंड लैशेस का ब्रश F011। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस NY बे का कॉन्टोर स्टिक। ये वाला जो कॉन्टोर स्टिक है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही इजीली ये ब्लेंड होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा घुमाना पड़ेगा। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर। मैं इसको ऐसे अप्लाई कर लूंगी जहां जहां पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया। नाउ आई एम यूजिंग दिस मार्स की ऑल आई नीड मेकअप किट। इसमें आई शेडोज भी हैं और कॉन्टोर एंड हाईलाइटर ब्लश का शेड भी है, तो आई एम यूजिंग दिस शेड फॉर माई कॉन्टोर। अब एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं जो भी एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर दूंगी।
अब ये फेस पे जो पाउडरीनेस आ गई है ना, इसको रिमूव करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप फिक्सर। नाउ दैट वी आर डन विद द बेस, अब मैं यूज कर रही हूँ इस फेस ब्यूटी का शेप माई ब्राउज आईब्रो पैलेट। ओके जी, तो मैंने आईब्रोज कर लिए हैं और मैंने चूड़ा भी पहन लिया है। अब मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर पेन अपनी आईलिड के लिए। ओके, तो मैं अपनी आईलिड्स को ना अभी सेट नहीं कर रही हूँ और मैं अभी यूज कर रही हूँ निका के की अंडर द सी आई शेडो पैलेट। एंड मैं इसमें से ये डार्क ब्राउन जो कलर है उसको पिक करके अप्लाई करूंगी। अगर आप अपनी आईलिड्स को पहले सेट नहीं करते हो ना, तो जो कलर पे ऑफ है ना वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपने अपनी आईलिड्स को सेट नहीं किया ना तो थोड़ा सा क्रीसेस पड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जहां पे आप कलर अप्लाई कर रहे हो उससे पहले थोड़ा सा फिंगर से ना ब्लेंड कर लेना। अब एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ मैं और इस लाइट कलर से उस ब्राउन को मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। अब ये मार्स की आई शेडो किट में से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ और अपनी आईलिड पे से अप्लाई कर लूंगी। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो इन द शेड अर्थली ब्रॉन्ज और मैं इसे इस फ्लैट ब्रश पे लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लेती हूँ। और वो जो ब्राउन कलर हमने अप्लाई किया पहले वो इसी बेस के लिए ही किया था। आई शेडो किट में से ना ये वाला जो ग्रे कलर है इसको थोड़ा स्क्रैच करके अपने ऐसे हैंड पे ले लूंगी। एंड ये सेम मेकअप फिक्सर जो मैंने पहले यूज किया था स्विस ब्यूटी का, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में स्प्रे कर लूंगी। और ये आईलाइनर ब्रश की हेल्प से ना मैं एक आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी। नाउ फॉर लिप पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ ये मार्स की लिप पेंसिल, मतलब लिप लाइनर। ओ, ब्लश तो लगाना ही भूल गई। तो पहले ब्लश लगा लेते हैं। ये मार्स की ही किट में से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। ब्लश भैया थोड़ा सा ज्यादा लगा लेना उस दिन, क्योंकि ब्लश जो है वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है और आपके फेस पे हर टाइम ब्लश रहना चाहिए उस टाइम पे। एंड फॉर हाइलाइटर मैं इसी पैलेट को यूज करूंगी। फॉर मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ ये मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा। मैं इस लुक के लिए कोई भी फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस दिन पे ना वैसे ही पूरा दिन मेकअप लगा के रखना है तो बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, मतलब फॉल्स आईलैशेस को। इस मस्कारा में ना दो सेक्शन है, एक लेंथनिंग का और एक वॉल्यूम का। जो मैंने पहले अप्लाई किया है वो था लेंथ के लिए एंड दिस वन इज फॉर वॉल्यूम। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने मस्कारा बिना इधर उधर लगाए अप्लाई किया है। ओके, सो मैं यहाँ पे ना आपसे दो लिप ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। एक तो ऑब्वियसली आपको पता है आप रेड मैरून पे जा सकते हो, और दूसरा जो है अभी के लिए मैं एक न्यूड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, बट मैं आपको दोनों ही लुक दिखा दूंगी। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, जो भी आपकी पर्सनल चॉइस हो। सबसे पहले मैंने यूज की थी ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक, उसके बाद मैंने यूज किया है मार्स का लिप क्रेयॉन इन द शेड रस्टेड ब्राउन और इसका क्या शेड था, सैंडी बीच। ठीक है, इसको मैंने जस्ट आउटर पे यूज किया है। तो अभी बारी आती है ज्वेलरी की एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाली मेरी ज्वेलरी। ओके,
सो दिस इज द कंप्लीट फाइनल लुक विद बिंदी एंड सिंदूर. आप बाल खुले भी छोड़ सकते हो या फिर जूड़ा भी कर सकते हो, जैसे भी आप प्रेफर करते हो. आप इस तरीके से बालों को पीछे पिन भी लगा सकते हैं ताकि फेस पे भी नहीं आएंगे, इरिटेशन भी नहीं होगी और खुले भी लगेंगे. ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू द सेकेंड लिप ऑप्शन विच इज स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड वाइन रेड. That was it for today's video, guys. I really hope कि आपको ये makeup look अच्छा लगा हो. बहुत ही ज़्यादा wearable makeup look share किया है मैंने. Base भी बहुत light है और ये जो eye look है वो सभी outfit के साथ जाएगा. कोई भी color का आप suit पहन रहे हो उस दिन, बस आप lipstick थोड़ी change कर सकते हो and it's good to go. And I really hope कि आपको ये makeup look अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो कि मैंने कैसे किया है और entertaining लगी हो ये video. अगर आपको ये video पसंद आई है तो please hit the like button, share this video and subscribe to my channel. And उसके पास जो bell icon है ना, please उसको दबाना मत भूलना, so that every time पोस्ट न्यू वीडियो यू'ल गेट अ नोटिफिकेशन. और मेरा करवा चौथ का व्लॉग भी जल्दी आएगा, तो प्लीज वो भी देखना मत भूलना. प्लीज स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.